यहाँ मोहम्मदपुर और बसारिकपुर के तीन किसानों की लगभग 3 बीघा गेहूं की फसल विद्युत की चिंगारी से चलकर स्वाहा हो गई है। बताया जाता है कि सैनिक सेवा संस्थान सिकंदरपुर के जवानों के अथक सफल प्रयास से आग बुझाने में कामयाबी नहीं मिली होती तो शायद क्षेत्र के खेतों में लगी भयंकर आग से तबाही ही तबाही का मंजर दिखाई देता। प्राप्त जानकारी के अनुसार बसारिकपुर व मोहम्मदपुर गांव के मध्य जगी सहानी के खेत के ऊपर से 11,000 की हाई टेंशन विद्युत तार गुजरती है। ये विद्युत खम्भे पर लगे विद्युत फ्यूज से एक छोटी सी चिंगारी किसान की गेहूं की फसल को गिर गई। तेज हवा से आग को फैलते देर न लगी। किसान द्वारा तन मन जन और धन लगा कर गेहूँ की फसल तैयार की गयी थी। चिंगारी ने उनके मेहनत पर पानी फेर दिया। इस तबाही का मंजर देख किसानों के होश उड़ गए। भयंकर धुआं और तबाही भरी आग की लपटों को देख क्षेत्र के समाज सेवी संस्थाओं में सैनिक सेवा संस्थान के व्यवस्थापक राम बाबू यादव, युवा अध्यक्ष मुन्ना सिंह, युवा कोषा अध्यक्ष मनोज गुप्ता, युवा मीडिया प्रभारी हेमंत कुमार सोनू, सदस्य कार्यकारिणी मोहम्मद सनोवर खान, अनुज कुमार, अनुप कुमार, मोहम्मद कादिर भाई सोनू, मोहम्मद इश्तियाक खान, चंदन गुप्ता, अमीर चंद गुप्ता, मोहम्मद अली भाई, वारिश धन्नु भाई, चन्नू भाई, रोहित, मोहम्मद नसरुद्दीन, राजू खान, मोहम्मद नियाज अहमद इत्यादि मौके पर पहुंच आग पर काबू पा लिए, जिससे सैकड़ों एकड़ फसल को आग से बचाया जा सका। सैनिक सेवा संस्थान सिकंदरपुर टीम के जाबाज सैनिकों द्वारा घंटों आग की लपटों को बुझाने के प्रयास के बावजूद किसान जगी सहानी, इंद्रजीत सहानी, बाबूदीन की गेहूं की फसल को आग की लपटों से नहीं बचाया जा सका। इनके सब फसल जलकर खाक हो गया। आग से खाक होने से बची आसपास गेहूं के फसल के स्वामी सैनिक सेवा संस्थान के सैनिकों को सराहना करते नहीं चूकती। इन सैनिकों के इस उत्कृष्ट कार्य की चर्चा जगह जगह हो रही है। संस्था के प्रबंधक प्रमोद यादव ने हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रदीप वचन को बताया कि सैनिक सेवा संस्थान के बहादुर एवं होनहार जवान देश की रक्षा तथा सीमाओं पर 24 घंटे तैनात रहकर अपनी ड्यूटी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हुए छुट्टी पर आने पर भी समाज सेवा में हमेशा ईमानदारी और निष्ठा से लगे रहते हैं। श्री यादव जी ने आगे बताते हुए कहा कि हमारे संस्था से जितना भी समाज सेवा के लिए जिस तरह सहयोग या योगदान होगा उस तरह से हम सदैव हमेशा की तरह खड़ा रहेंगे। मार रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़ें राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।